Assalamu alaikum dear students. Today in this video we shall discuss about the multiple choice of unit 8 on page 191. Page 191 पर आज हम unit 8 की multiple choice को discuss करेंगे. The first MCQ is water freezes at 32 degree Fahrenheit. First MCQ का answer B option. पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट. सेकंड एमसीक्यू, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. थर्ड एमसीक्यू, मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज. मर्करी को हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं. वाई, क्यों? यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन ये भी है, मरकरी का लो फ्रीजिंग पॉइंट भी है, मरकरी की हीट कैपेसिटी स्मॉल भी है, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मरकरी में मौजूद है. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल द अबव प्रॉपर्टीज़. फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट? वाटर, मैंने चैप्टर में बार बार ये बताया कि वाटर हैज़ दी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि कितनी है वो? 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन. फिफ्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? किस मटीरियल की अल्फ़ा वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन सा मटीरियल है जो जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा टेम्परेचर को चेंज करने से? वो एलुमिनियम है. सिक्स एमसीक्यू, अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता हो किसी मटेरियल की तो उसकी बीटा वैल्यू क्या होगी? अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2×10⁻⁵ हो, अल्फ़ा का मतलब है लीनियर कॉफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा का मतलब है कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो तो बीटा फाइंड आउट करने का मैंने फार्मूला आपको बताया था, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा. यानी कि अगर हमें बीटा अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाए तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है? 2×10⁻⁵. तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6×10⁻⁵ पर केल्विन. तो आपका ये आंसर बनेगा 6 एमसीक्यू का बी ऑप्शन, 6×10⁻⁵. सेवन्थ एमसीक्यू, अ लार्ज वाटर रेजरवायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाई लैंड मॉडरेट. बहुत ज़्यादा अगर पानी कहीं पर मौजूद है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी का रेजरवायर मौजूद, जैसे समंदर मौजूद है, तो वहाँ के करीब की जो ज़मीन है वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा. इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. एट्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इवापोरेशन? कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड, ऑल ऑफ द अबव. हम पढ़ चुके हैं टॉपिक में, ये तमाम फैक्टर्स ही इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन. तो ये हमारी आज की वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्लियर हो चुकी है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.